होप मस्ट बी बैनिश्ड इन इंट्राडे। मैं रिपीट करता हूँ, शायद आपने गलत सुना होगा, होप मस्ट बी बैनिश्ड इन इंट्राडे। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बिलीफ, प्रिडिक्शंस और होप पे ध्यान नहीं देना है, हमें फैक्ट्स के साथ काम करना है। मैंने पहले भी इस बारे में आप एक वीडियो बनाया है, आपने शायद देखा होगा। जब हम इंट्राडे करते हैं, मैंने काफ़ी ट्रेडर्स को देखा है कि वो प्रिडिक्शंस, बिलीव और होप पे ट्रेडिंग करते हैं, ना कि फैक्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। और कई कई बार तो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस को टच करके फिर मेरे फेवर में ट्रेड आएगा। वैसे नहीं होता है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो अपना ट्रेड एग्जिट कीजिए। कई बार मैंने ये भी देखा है ट्रेडर्स को अपना छोटा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा अकाउंट बनाने के चक्कर में बड़ी पोजीशन क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली वो छोटा अकाउंट भी ज़ीरो हो जाता है। तो ट्रेडिंग हमेशा फैक्ट्स के बेस पे होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस, पिवट, सपोर्ट, टेक्निकल स्टडीज़, फंडामेंटल स्टडीज़, इस बेसिस पे अपना ट्रेडिंग कीजिए, ना कि होप के बेसिस पे कि मैंने जो सोचा है वो होगा। वैसे नहीं होता है, फैक्ट जो कहता है, जो ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं वही आप कीजिए, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए और अपना ट्रेडिंग सिक्योर रखिए। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।